Assalamu alaikum. My name is Ahmed Jameel Malik and welcome to this Embrace series. I am a fourth year medical student in Sheikh Zayed Medical College, Lahore. And today with me on this Embrace series is Dr. Ali Tariq. Dr. Ali Tariq is an alumni of Sheikh Zayed Medical College. He graduated in year 2014. And this year, he got selected into the residency of internal medicine in the community hospital Suburban. So I welcome Dr. Tariq on this platform. Okay, one question would be, if someone from our college, if they don't match, what should they do after that? Uske alawa kya kya options unke paas hoti hain karne ke liye, if they don't match in the first attempt? Achha. Yaar, honestly, dekho, ek toh pehli baat hai, main suggest ki karta hoon ke, if you're applying, matlab jo tumne koi plan kar diya hai, toh, matlab research pehle na kare banda. पहले आप अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है? okay. अगर आपने मेड स्कूल के दौरान कोई अच्छी पब्लिकेशंस कर दी हैं, मतलब उनको जरूर, जिससे हमारी कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर रिसर्च होती थी, तो उसको जरूर पब्लिश करो. मतलब उसको कोशिश करो, क्योंकि इतने ज्यादा जर्नल्स हैं, इवन इफ इट्स नॉट पबमेड बेस्ड, किसी में भी कर लो यार, इन द एंड इट डज मैटर कि आपने कितना पब्लिश किया हुआ है. बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव, मतलब उसे किसी ऐसे जर्नल में किया हुआ हो कि जी उसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो, या फिर इट्स अ पबमेड इंडेक्स आर्टिकल. बट even then agar wo nahi bhi hai to it's always good to matlab publish something than have nothing at all. So okay. ek to pehli baat hai wo cheez karo and then steps complete kiye and then apply. theek hai, acha score le liya and then you think ki acha ji maine electives kar liye, mere LORs pure hain, then apply. And if you do not match, khuda na khasa, then apply for a research. I think काफी लोग different, देखो इसमें काफी different opinion है. तुम online में जाके देखोगे, लोग कहते हैं जी ऑब्जर्वरशिप से फर्क पड़ता है, रिसर्च में जाके नहीं होता. विच आई एग्री, बिकॉज तुम एक रिसर्च में तो बैठ गए, पर तुम एक कोने में बैठे. अब रिसर्च में भी जाके अगर आप सिर्फ रिसर्च में बैठे हुए और कुछ जिस तरह आप कोई कॉन्टैक्ट्स ही बना रहे हैं, आप उतना काम नहीं शो कर रहे लोगों को, तो फिर कोई फायदा नहीं. क्योंकि इन द एंड देखो, दे गेट अ लॉट ऑफ, इनको ना काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आती है, एंड मतलब और बहुत सारे अच्छे मतलब स्कोर वाले बच्चे होते हैं, बट वट इज़ द रीज़न के वो तुम्हारी एप्लीकेशन खोल के देखेगी. तो यू हैव टू हैव समथिंग कि वो कहेंगे हाँ ये डिफरेंट है, अच्छा इसने ये पब्लिकेशन की हुई, या फिर इसका, इसको मैंने उस वाले फलाने क्या कहते हैं सिंपोजियम पे देखा था, या फिर मैंने इसकी पोस्टर प्रेजेंटेशन थी वहाँ पे. लोग करते हैं कि इस तरह की कोई होती हैं जो कन्वेंशन होती हैं, फिर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज जो होती हैं, उस पर जाते हैं और मतलब अपना प्रेजेंट करते हैं केसेस, और अमेरिका में करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी एक मौका होता है टू शो कि जी हाँ मैंने ये किया हुआ है. एंड मतलब लोग उस पर कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, ये प्रोसेस काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बेस्ड है, इसमें कोई शक नहीं. अच्छा फिर दूसरे लोग, मैंने काफ़ी लोगों को ये देखा था कि वो इवन मैथ स्कूल से जो स्मार्ट हेल्प थी, दे मतलब वो जो है ना रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हो जाते थे विद बिग नेम्स इन US, कि जी उनसे पहले से ईमेल करके कि मैं ये लिख रहा हूँ और मुझे हेल्प कर, मतलब मैं ये लिख रहा हूँ तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर. तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब ज़ाहिर उनके ऐसे इतना फ्री टाइम नहीं होता, बट देयर इज़ गोना बी समवन जो कहेगा हाँ ठीक है, आई कुड बी मतलब कहेंगे कि क्या कहते हैं उसको, मतलब बेसिकली वो कहेंगे कि मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ इन द रिसर्च एज वेल. हाँ, और वो मेंटोर बन जाएंगे तुम्हारे, बट तुम यहाँ पे बैठे हुए तुम उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, देन तुम यू कैन पुट इन योर CV, और बड़ी अच्छी चीज़ है वो. And always looks good कि हाँ तुमने उसके साथ काम किया, maybe he could like refer you to some residency program later on. तो एक वो चीज़ है, उसमें involved रहो. Research में वही कह रहा हूँ again, तुम research में अगर जाते हो तो फिर तुम्हें contacts बनाना ज़रूरी है, मतलब काम ज़्यादा करना पड़ेगा. ये नहीं कि आप जाके वहाँ बैठ जाओ और कुछ भी नहीं कर रहे, और फिर मतलब basically ये नहीं कि अच्छा हाँ जी कल को आपकी सिर्फ application में research लिखा हुआ तो जी that's gonna make a difference. नहीं, मैं जब University of Louisville गया था तो a lot of people were there who were applying for like the third time or fourth time even being in a research at University of Louisville, kyunki I think wo us tarike se kafi hard working log the, but us tarike se apne aap ko sell nahi kar sake. So I think you have to let other people know ki haan ji main idhar kaam kar raha hu aur main isliye, that's why I am different. But in a sense that aap to ek residency program yahi dekh rahe hai na. Acha, other than that, ha, observerships wala jo log kafi dusra pathway hota hai ki log kehte hain acha yaar ek hi hospital ke andar ghus ke multiple observerships kar lo. Theek hai, I get it. एक तो पहली बात ये है कि ऑब्जर्वरशिप में पैसे काफ़ी लगते हैं, कि जी एक महीने की बात और $1500 की होती है आपकी, ठीक है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डू गो फॉर इट. हाँ जी आप उधर मल्टीपल ऑब्जर्वरशिप कर लो, बट
then again the thing is ki agar it is like community versus university hospital agar aapko dono ka match nahi hai to there the matlab ab aapko ye dekhna hai ki acha main agar university hospital mein multiple observations karta hu which is going to look good on my cv and but then agar if that university hospital doesn't take imgs to mujhe uska kya fayda hoga as compared to a community hospital jahan tum ja ke paid ke observations kiye ja rahe ho and wo aapko zyada acha aapka मतलब इन सेंस कि तुम उस हॉस्पिटल में तुम्हें लोग अब जानना शुरू हो गए कि अटेंडिंग्स कह रहे कि हाँ नहीं इसका काम बड़ा अच्छा है एंड मतलब वी वांट हिम या इस तरीके से तो मतलब ये दोनों देखने पड़ते हैं एंड मतलब मैं ये वाला दूसरे कम्युनिटी हॉस्पिटल वाला अगर इफ यू कैन फाइंड एन ऑब्जर्वेशन आई वुड प्रेफर कि हाँ ठीक है आप उधर जाके बैठ जाओ और करो उस चीज को एंड इन द मीन टाइम यू कैन पब्लिश आप तो पब्लिश घर बैठे कर सकते हो रिसर्च में घुस जाओ किसी में भी कर दो और ऑनेस्टली अगर मैच नहीं होता तो ये तो हमें सिर्फ हमेशा फेसबुक पे उन्हीं की स्टोरीज पता चलती हैं जो मैच हो गए होते हैं बट द 50% ऑफ द पीपल हु डू नॉट मैच डू नॉट पुट देयर स्टोरीज ऑन फेसबुक ऑब्वियसली कौन कहेगा यार आज मैं मैच नहीं हुआ मैं बड़ा खुश हूँ तो वो ये चीज कभी ना देखा क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि हम उसको देखते हैं और हम कहते हैं यार और फिर बंदा और वो होता जाता है स्ट्रेस में आ जाता है कि आप क्या करूँ मैं क्या करूँ बट नहीं भाई मैच ऑनेस्टली 10,000 चीजें तो अल्लाह का शुक्र है अगर तुम as long as you have सेहत तो सब ठीक है कोई नहीं अगली बार अप्लाई करो इनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आई रियली होप ये जो इंटरव्यू है ना ये मिथ बस्टर हो स्टूडेंट्स के लिए मेरे लिए भी और मेरे जो बाकी दोस्त हैं ताकि पता लगे अगर आपको मैच नहीं होता इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और हमारे पास तो एग्जांपल है जो अगर चार बार आपको मैच नहीं होता देयर इज स्टिल होप कि एट द एंड ऑफ द डे आपका मैच हो सकता है सो जो कोई भी कह रहे कि नहीं होना देयर इज स्टिल अ चांस हां नहीं बाकी मैं वो भी कहता हूं ना कि मुझे एक दफा इसी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मुझे एक बंदे ने कहा था कि यार अमेरिका इतना बड़ा है उधर सबके लिए जगह है तो मैं कहता था यार क्या मतलब ये कोई बात है इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अच्छा चलो इसने कह दिया बट आई डू एग्री कि यार वो इतने दे डू कर अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स और ऑनेस्टली गेट द बेस्ट ट्रेनिंग एंड मतलब जो मैं वैसे फ्यूचर के लिए भी कहूंगा हाँ ठीक है गेट योर बेस्ट ट्रेनिंग बट कम बैक टू पाकिस्तान मतलब इस पाकिस्तान में भी थोड़ा हमारा ही रोल बनता है कि हम आके वापस आके जो है ना इसमें वो ट्रेनिंग हम इधर भी स्टार्ट करें इधर भी लोगों को दी जाए कि हाँ यार मतलब इधर कल को आप पाकिस्तान का भी फायदा करो so anyway, on coming back मतलब, Pakistan after some time yeah definitely मेरा that's very good I do plan on doing that because पर अब जो भी यार इधर से हमने इतना फायदा उठाया है we owe Pakistan a lot yeah I agree मतलब माशाल्लाह it gave me a best schooling it gave me a best med school तो मतलब भाई मुझे अगर मैं कल को कुछ बाहर से सीख क्या यहाँ पे कर रहा हूँ तो आई थिंक उससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है कि मैं आके इधर भी बंदा आके उसे इंपार्ट करे ओके सो सेकंड क्वेश्चन वुड बी दैट एज वी नो स्टेफन इज गोइंग टू बी पास फेल फ्रॉम 26 जनवरी 2022 सो व्हाट इंपैक्ट इट विल हैव एंड हाउ इट विल अफेक्ट स्टेप 2 इन योर ओपिनियन यार आई थिंक अगर स्टेप जब हो जाएगा 2022 तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इट्स गोना बी लाइक फिर के जी स्टेप 2 में स्कोर कितना आई मतलब चेंज होगा इसमें कोई शक नहीं आप जितना भी कह लो आईएमजीज के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि देखो आईएमजीज जो मैच करते हैं ना दे मैच बिकॉज ऑफ देयर स्कोर्स अब हमारे स्टेप 1 स्कोर काफी बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं अमेजिंग स्कोर होते हैं इवन दो उनका यूएस में कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि मैं इन कंपेरिजन कह रहा हूँ कि तुम एक करेबियन वाले को देखो जो करेबियन में स्कूल से बच्चा आ रहा है He has done his like 2 years of third or fourth year mein rotations karte rehte hain to tum khud socho ke as compared to that agar tum pakistan se aa rahe ho tumhare itne experience nahi hai in us to ab tumhari cv mein kya different hai unse to matlab usually it was score step 1 ka ji bahut acha hai step 2 ka bada acha hai so I think step 2 ka up score zyada matter karega after that oh nahi now you have to get a very good score CK ki ji in order to come at par with the other candidates who are in us or yeah मतलब जिनका वहाँ पे ज्यादा रोटेशन है देन सीवी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आई थिंक पब्लिकेशंस रिसर्च इलेक्टिव्स वो चीजें काफी मैटर करेंगी तुम्हारी सीवी कितनी कलरफुल है तो यस इट वुड अफेक्ट बट इन द एंड अगेन अभी तो ये स्पेकुलेशंस हैं लेट्स सी कि क्या होता है बट दैट्स ऑनेस्टली व्हाट आई थिंक एंड व्हाट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड सो फार And the third question would be, what is the total expense in the whole process of USMLE exam? Yeah, अच्छा हिसाब मतलब वैसे ही लगाओ तो exams हैं
मुझे ऑनेस्टली मेरे अपने टाइम के मुझे नहीं लग रहा कि मुझे लगता है कि स्टेप वन शायद थोड़ा शायद चेंज हो गया उनका, मुझे सही पता नहीं है. बट एनी वे मतलब कह लो 1000 तब वो थे, 1500 का CS था, आई थिंक यही ऑलमोस्ट कह लो 4000 कह लो. अच्छा ये भी नहीं ना खाली बीच में, बिकॉज यू बाय यूवर्ल्ड एज़ वेल. अब उसकी जो सब्सक्रिप्शन की फी है वो भी अच्छे खास कहते हैं 300 सम डॉलर्स. नो अब वो लगा रहे 520 डॉलर्स. ओ वाओ That's a lot. मतलब ठीक है, अब तुम इसको देखो ना कि ये चीज़ एक साल की लेनी है. अगर आपने एक साल की लेनी है तो that's $520. अगर आपने six month depend करता है कितना लेना है, but अगर एक साल वाला लेते हैं तो that's $500 plus. हाँ अब ये भी है, अब देखो ये चीजें भी डालनी पड़ेंगी. तो I think it goes up to like around 6000 हो जाएगा अगर तुम कोई और aid use करे. Like obviously people do go there and get those videos as well. उनकी भी कुछ subscription होती है या Kaplan की, चलो अगर कोई लेना चला जाए वैसे तो books available है. वो है चलो ये एग्जाम्स का हो गया. बट देन अच्छा वो एक थोड़ा सा एक ऑब्जर्वरशिप, सब ज्यादातर ऑब्जर्वरशिप लोगों ने पेड वो हो चुकी हैं कि जी उनकी फी है, यू हैव टू पे फॉर दैट. तो इट रेंजेस फ्रॉम बिटवीन लाइक 1500 टू मतलब कम भी हो सकता है, काफी कम है. जिस तरह एक अभी मेरे एक दोस्त ऑनलाइन कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक $100 पर मंथ टेली रोटेशन. बट देन उस हां इट्स अ टेली रोटेशन, बट देन इट हैज लाइक 100 पीपल ऑनलाइन ऑन अ Zoom कॉल. I don't know how they're going to judge you on that or how they're going to give you a good LOR. But people are doing that. So, I mean, shows, matlab, achha hai ki kuch chalo CV mein dalne ke liye to hai. So, better than nothing at all. So, matlab, haan, observership se thode paise lagte hain, to wo bhi count kar lo. Aur observership, let's suppose, chalo, main, achha, udhar rehna, tare during observership, tum at least 3 months ki karoge. To udhar ka rehna mein at least 1000 lagega. क्योंकि उधर रहना है, चलो खाने पे तो हम बचत कर लेते हैं, हमें आदत होती है चल के चले जाएंगे और काफी चीजों में पैसे बचा लोगे. बट आई थिंक बिफोर अप्लाइंग 10,000 मुझे लगता है कि लग जाएंगे, बट लोगों ने इससे कम में भी किया हुआ है. और ये मैं थोड़ा ज्यादा खींच के शायद बता रहा हूँ. और फिर अप्लाई करने में एटलीस्ट 2000 तो लगेगा, एंड देन इफ यू फ्लाई 2 years एट दैट टाइम. तो मेरे ख्याल में मतलब इसे पूरा स्ट्रेच करोगे, इसको जरा थोड़ा ज्यादा करोगे तो अगर बहुत ही सही तरीके से आता है तो 15,000 बन जाएगा सब कुछ करने में, फ्रॉम स्टेप 1 से लेके मैच होने तक. हां मेरे ख्याल में अगर आप इंशाल्लाह यू मैच द फर्स्ट टाइम तो आई थिंक सो दिस भी देखने कम से कम 2-3 साल के बीच में टाइम पीरियड भी तो है ना जो 15,000 लग रहे हैं. बिकॉज़ अगर आपने सिर्फ स्टेप 1 करना है तो आपको ऑलमोस्ट $1000 एग्जाम फी होगी, $500 आप पे करेंगे उसके यूवर्ल्ड का, और ऊपर कुछ $20 और लगा दें, $70 होता है अगर आपने NBME ऑनलाइन देना. हां तो कुछ खेंच उनके $1600-$1700 अगर हम सिर्फ स्टेप 1 करना है. हाँ वही ना कि उसके बाद फिर स्टेप 2 है, वही मैं इस तरह उसी तरह हिसाब से कह रहा हूँ कि हाँ 2000 तो बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं जिस तरह पैसे स्ट्रेच हो रहे हैं. बट स्टिल पैसों वाला फैक्टर तो रहता है बिकॉज़ वहां पे कंपटीशन बहुत महंगी है, प्राइस महंगी है, काफी इंपॉर्टेंट है यार. बाकी फाइनेंशियल जो ये प्रोसेस मतलब फाइनेंशियली ऑब्वियसली थोड़ा सा बंदे को लगता है कि जी काफी ज्यादा है. आसानी हो मतलब लोग कर ही जाते हैं, इतने तो बंदे कर रहे हैं साथ तो. ओके सो द थर्ड क्वेश्चन इज के व्हाट आर इलेक्टिव्स, और वी कैन चेंज इट टू इफ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्टिव्स, ऑब्जर्वरशिप एंड एक्सटर्नशिप, ताकि पता लग जाए तीनों चीजें क्या है. सेम है लेकिन तीनों का डिफरेंस है फिर भी. एंड हाउ डू दे कम इनटू प्ले एंड डू दे रियली हेल्प, इफ यस देन व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग वन. अच्छा एक तो पहले आता है जो इलेक्टिव है ना वो तो ड्यूरिंग मेड स्कूल होगा, ठीक है. और अब बल्कि मैंने ये देखना शुरू किया हुआ है कि कुछ प्रोग्राम जो बड़े यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वो स्टेप 1 रिक्वायर भी करते हैं. आपने स्टेप 1 दिया देन यू कैन अप्लाई फॉर इलेक्टिव, अदर देन अदरवाइज इट्स गोना बी एन ऑब्जर्वरशिप. सो आई मीन द डिफरेंस इज कि इलेक्टिव के अंदर आप हैंड्स ऑन कर सकते हो, एंड ऑब्जर्वरशिप्स जो के जो जनरल बेसिकली ऑब्जर्वरशिप का जो जनरल रूल है कि वो यू आर नॉट अलाउड टू पर मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं ले सकते. बट Again, it's different. जब मैंने observerships की तो we had like we were allowed to do a hands-on experience. In a sense के थोड़ा limited होता है. Obviously you're not आपको access नहीं होता कुछ नहीं होता. But
आप किसी ना किसी तरीके से आप आगे आपने शो करने का हमें चीज इन्वॉल्व हूँ या कोई पेशेंट डिस्कशन हो रही तो आपने उसका सारे जबरदस्ती पार्ट बनने के अब बिल्कुल ही शेडो ना करना शुरू कर दो कि हाँ आप बिल्कुल ही बैकग्राउंड में खड़े हो आप किसी को नजर ही नहीं आ रहे यू हैव टू बी इन्वॉल्व समहाउ कि आपको वो खुद ही आपको एक फाइन लाइन खुद ही देखनी है कि हाँ ठीक है मैं वो भी नहीं कर रहा जो कि गलत है या इलीगल है या बट मैं जो ना इलेक्टिव वाला मतलब बट मैं एटलीस्ट अपने आप को शो कर रहा हूँ काम भी कर रहा हूँ एक्सटर्नशिप इज डिफरेंट जिस तरह कुछ प्रोग्राम्स हैं रिमेंबर की प्रोविडेंस था तो एक्सटर्नशिप जो है ना वो बेसिकली आप यू वर्क एज अ रेजिडेंट तो वो बेसिकली कराते थे 3 months की और बाद में a lot of them actually got the residency at the same program as well. तो वो लोग ये करते थे कि हर 3 महीने निकालते थे एक्सटर्नशिप में बिल्कुल यही कि यूर हैंड्स ऑन है आप इंटर्न की तरह काम कर रहे हो यूर एक्चुअली लुकिंग एट द पेशेंट्स एज वेल तो दैट्स डिफरेंट एंड आई डोंट थिंक ये इतनी ज़्यादा प्रोग्राम्स देते हैं आप एक्सटर्नशिप बहुत मुश्किल है मतलब बहुत ही कम प्रोग्राम्स जो देते होंगे ऑब्जर्वरशिप सबसे आसान है इलेक्टिव्स बड़े प्रोग्राम्स इफ यू इन अ मिड स्कूल तुमने ज़्यादातर अब वो जो मैंने बोला स्टेप वन रिक्वायरमेंट है एंड हाउ टू अप्लाई फॉर दैट मैं ये कहूँगा कि यार गो टू देयर वेबसाइट जो बड़े यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स है ना उनका एक सेट वो एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो देख ऑब्जर्वरशिप्स देते हैं इलेक्टिव्स देते हैं आप अप्लाई करो आप सीवी एक सीवी अच्छी बनाओ अपने सीनियर्स की सीवीज देखो उसके उसके जो फॉर्मेट है उसके ऊपर अपनी सीवी बनाओ और उनको भेजो एंड मतलब मिल जाती है अदर देन दैट जो हम करते थे हम बहुत सारे ईमेल्स करते थे डिफरेंट हॉस्पिटल्स को जिसमें कम्युनिटी हॉस्पिटल्स नहीं देते बट देन बाज़ दफ़ा उन्होंने लिखा होता है नहीं देते बट आप अगर आपका लेट्स सपोज कोई कॉन्टैक्ट है समवन फ्रॉम पाकिस्तान है कोई सीनियर है या फिर जिस तरह के ई वगैरह के एलुमनाई होती है उनको वो लोग दिलवा देते हैं ठीक है थोड़ी देर आके ऑब्जर्वशिप कर लो तो वो उस तरह मिल जाती हैं देन ये AMO वगैरह हैं थोड़ा एक्सपेंसिव है इनके थ्रू अगर अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो $1500 आई थिंक पर मंथ मांगते हैं और अगेन इट्स इन अ कम्युनिटी हॉस्पिटल तो अगर तुमको डायरेक्टली किसी को कर लो तो ज़्यादातर वो फ्री में हो जाती है हाँ ऑफिस वाली ऑब्जर्वेशन अब काफ़ी लोगों ने शुरू कर दी कि हाँ जी भाई मतलब ये इनके जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन हो जाती है तो वो भी काफ़ी एक अच्छा है कि लोग सिर्फ थोड़ी देर से के लिए जाते हैं आप 3 दिन जाते हो यू गेट अ गुड LOR एंड दैट डज हेल्प एज वेल जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि तुम पेशेंट देख रहे हो मतलब जाहिर है ऑब्वियसली कोई इंटर्न ही देख रहे तुम उसे डायरेक्टली नहीं देख रहे बट देन तुम उसको प्रेजेंट कर रहे हो कि भाई मैं इसको प्रेजेंट करूंगा जिस तरह हमारे यहाँ क्या प्रेजेंटेशन होती है कि जी हाँ जी कि ये आज मैंने पेशेंट देखा है और उसको तुमने प्रेजेंट किया तुमने उसका फिजिकल भी किया तो बेसिकली हैंड्स ऑन इज लाइक दिस एंड देन वो प्रोग्राम्स तुम्हें एक्सेस भी दे देते हैं तो यू कैन डू द नोट टाइपिंग एज अ मैथ स्टूडेंट एज अ तो ऑब्जर्वरशिप में आपको वो नहीं होता आपको जो आपको किसी के थ्रू देखना पड़ता है चार्ट आपका अपना एक्सेस नहीं होता तो ये डिफरेंस है सो एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोड मैप एंड टेंटेटिव स्केड्यूल इफ यू वांट टू क्लियर ऑल टेस्ट एज सून एज पॉसिबल विदाउट हैविंग टू वेट बिटवीन देम ड्यू टू टेस्ट डेट्स एटसेट्रा यार जिस तरह मैंने अभी शुरू में बताया कि ऑनेस्ट यार कोई अपना डिफरेंट बताएगा मैं सिर्फ ये कहूँगा जब जब यू फील लाइक गिविंग इट तब देना जल्दी ना करे हो कि मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी दे देते हैं एंड मतलब इट डज वर्क फॉर देम कि वो जल्दी मैच भी हो जाते हैं काफ़ी लोग आराम से सुकून से उठते हैं हाँ सही रह गया बट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली आई थिंक इन दिस प्रोसेस आई डिड रियलाइज कि ठीक है कनेक्शन जो लोग जेंडर कॉन्सेप्ट है कि जी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है वो इंपॉर्टेंट है बट देन यू हैव टू हैव गुड स्कोर्स फॉर दैट एज़ वेल कि अगर तुम कुछ कोई तुम्हारे लिए अगर समवन पुटिंग इन अ गुड वर्ड फॉर यू एट लीस्ट यू शुड हैव अ गुड स्कोर टू शो इन अ सीवी इन योर सीवी कि तुम एटलीस्ट ये दिखा सको कि हाँ नहीं मैं इस काबिल भी कि मुझे आप क्यों इंटरव्यू पे बुलाओगे अदर देन दैट वरना वो फिर ऐसे ही बुला लेते हैं आपको इंटरव्यू के ऊपर कि हाँ ठीक है इट्स अ गुड इंटरव्यू करके आके एंड दे माइट नॉट टेक यू तो स्टेप स्कोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली टाइम मतलब लगाओ आई थिंक द आइडियल टाइम वुड बी कि अच्छा ठीक है आपने अगर साल लगा लिया स्टेप वन अच्छा टाइम है टू गिव और सही पढ़ाई ये नहीं कि आप गैप्स ले रहे हो बीच में महीना दो महीना आप जी आराम से बैठे हुए हो आप या कोई और जॉब कर रहे हो नहीं आपने आराम से आपने एक फ्लो में रहे हो आपकी अच्छी तैयारी है UNBMEs are fine UWSA में आपके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं लाइक हाँ नहीं ठीक है 250s आ रहे हैं मेरा ठीक है अगेन सेम फॉर द CK सीखे जाए तो जनरली लोग जल्दी दे देते हैं ऑनेस्टली आई गिव जल्दी मैंने दिया था
बट वैसे मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं थोड़ा टाइम लगा के अच्छा स्कोर भी ले सकता था, देखते हैं कि हाँ अच्छा स्कोर NBMEs या UWSC में जब अच्छा स्कोर आ रहा है बेसिकली 4 to 5 months देख लो अगर अच्छा पढ़ रहे हो, तुम्हारी थोड़ी फ्रेश नॉलेज भी होगी और स्टेप वन विच हेल्प्स यू. मैंने काफी लोगों को देखा है लोग जल्दी में ही दे देते हैं तो उनका अच्छा स्कोर आता है, इट्स बेसिकली द सेम एज योर स्टेप वन के उसके आस पास ही स्कोर आ जाता है. और काफी में मैंने देखा वैसे ड्रॉप भी करता है, आई थिंक वो ये भी है कि लोग बहुत ही जल्दी दे देते हैं, बट यू वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उसको काफी, मतलब एटलीस्ट मैं तो कहूँगा 2 to 3 times टू यू वर्ल्ड को करो, काफी बड़ा रिसोर्स है फॉर नॉलेज तो उसको पढ़ो. और आई वुड से 5 months आई थिंक इज अ गुड टाइम कि उसके बाद तुमने दे दिया ठीक है तुम्हारा स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं थिंक एंड वुड बी एबल टू गिव स्टेप टू सी के. So what is the one factor or one thing that you believe that led to your success? कि आपके success में आज तक जो एक चीज हो का आपको लगता था ये that was my recipe of the success. Recipe भी हो सकती है, एक factor भी हो सकता है in your opinion. I think keeping yourself motivated कि कोई किसी चीज से disheartened ना हो, क्योंकि लोग honestly दो काफी बातें करते हैं और आपको आप सुनोगे कि इस तरह चीजें देखोगे भी अराउंड यू, बट जो आपने प्लान किया है ना उसके पीछे पड़ जाओ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरन ग्रेजुएट हो के वो चीज करो या बाद में करो, मतलब इन द एंड अगर आपको इन द एंड वो मिल जाए तो वो बेस्ट है. जिस तरह मैंने ठीक है मेरी रेजिडेंसी मुझे काफी अर्से बाद मिली, बट मैं ऑनेस्टली बड़ा खुश हूँ कि ठीक है यार जब भी मिली है ये मुझे वही खुशी है जो मुझे शायद पहले साल में होनी थी के, तो इट डजंट चेंज के जी आपने पहले कर लेता तो ये होता वो होता. भाई जो भी टाइम है जब भी होता है इट्स द राइट टाइम, बट अपनी कोशिश करते रहो. एंड ऑनेस्टली मेरा कोई ऐसा सक्सेस नहीं है, मैं तो सिर्फ वो था जो फंस गया था. दो कितने आराम से यूएसएमएली में घुसते हैं, हमारे कॉलेज से इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं और माशाल्लाह वो बहुत लोग अच्छी रेजिडेंसी उनकी चल रही है, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं अपनी अपनी अच्छी अच्छी जगहों पर. तो मेरे ख्याल में बाकी बस अपना जो जो तुम्हारा गोल है उसको फॉलो करते रहो, किसी लोगों की बाकी बातें जो है ना सुनने की जरूरत नहीं कि हाँ कोई नेवर Let anyone else के say के भाई तुम ये नहीं कर सकते, करो. और हर कोई क्योंकि एक हमारे जनरल कॉन्सेप्ट है कि हर कोई आके ना अपनी एडवाइस लेके चला जाता है कि आपको 2 minutes वो जानता है नहीं कि आप हैं क्या. पहली दफा मिलेगा 5 minutes में आपको अपनी एडवाइस लेके चला जाएगा कि यार तुम्हें ये करना चाहिए करियर में, अब तुम ये करो और फिर आप सोचने लगे तो हाँ शायद ये सही कह रहे हैं. भाई नेवर डाउट योर सेल्फ, बट जो तुमने प्लान किया यू नो योर सेल्फ तुम कब से उसके लिए मेहनत कर रहे हो, ये थोड़ी भाई आके कह दे तो मतलब वो तो उसे तो पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में, वो तो आगे चला गया उसने अब 2-3 और को दे रहा होगा अपनी एडवाइस. सो मैंने जिसमें देखा ना कि इतने ये जो कुछ इंटरव्यूज करने के बाद या जो अपने दूसरे मेंटर्स से जो मैंने सीखा है उसमें ये कि जो परसिस्टेंस परसिवरेंस और रेजिलियंस जिस बंदे में ये ना कि डिटाई है उसमें कि बस मैंने ये काम करना है तो मैंने इसको करना है, लाइक वो एंड तक जो लगा रहता ना वो एट द एंड कर लेता है वो चाहे जैसे मर्जी करे, बट इफ यू आर रेजिलिएंट ना तो आप तो समहाउ कर लेते हैं. सो जो मैंने अभी तक देखा ना मेन फैक्टर जो मैंने सबसे लोगों से सीखा अपने एक्सपीरियंस तो मैं अभी करूंगा, बट जो मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा दैट्स ये कि रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपके 3 मरतबा नहीं होता, 4 मरतबा नहीं होता, 5वीं मरतबा में भी आपने बस वहीं पे रहना है कि आपका हो जाएगा विद दैट फेथ इन योरसेल्फ. नहीं आई एग्री, मतलब बाकी आई नो दिस गाय जिसको वो पिछले साल 8 times उसका जाके मैच हुआ. मतलब वो लगा ला मतलब उसने बीच में किसी फार्मा कंपनी में चला गया था पता नहीं क्या क्या करता रहा, बट एनीवे ही मैच कर दिए. मैं सोचता हूँ बाकी रेजिलियंस काफी, पर हम ये वैसे बातें सुनते रहते थे बचपन से सुनते आ रहे हैं बट कभी उस तरीके से नहीं सोचा ना, जब खुद उस प्रोसेस से गुजरा तो मैं सोचता नहीं काफी इंपॉर्टेंट था. इवन दो मैंने चेंज भी कर दिया काफी चीजें चेंज की इन माय सीवियर में जो होता था मैंने शायद शुरू का टाइम जाया किया, बट देन आई थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट एंड आई नीड टू गो थ्रू दैट कि आपको चेंजेस यू एज अ पर्सन कि जी काफी चीजें आपने नई सीखी हैं, काफी डिफरेंट लोगों से मिला हूँ और मुझे काफी मजा आया. ऑनेस्टली इतनी मजे मजे की स्टोरीज हैं कि कभी मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वाकई पैसे बचाते हुए और काफी ऐसी जगहों पे टाइम गुजार रहे हैं कि मैं सोचता था बाकी यार इससे तो बेहतर पाकिस्तान में सुकून में तो बैठा हुआ था घर में. सो व्हाट इज द वन मैसेज दैट यू वुड गिव टू योर जूनियर्स लाइक मी एंड माय क्लास फेलोज? यार अगर यू स्पेशली वैसी जिस फील्ड में भी जाओगे ऑनेस्टली मैं कहता हूँ कि बस ये डू एम के अच्छा करो, जिसमें भी जा रहे हो अपना फुल लाइक फुल ऑन पोटेंशियल उस फील्ड के अंदर डालो, मतलब फील्ड इन द सेंस के मैं प्लैब और यूएसएमएल की बेसिकली बात कर रहा हूँ कि जिसके लिए भी तुम अप्लाई कर रहे हो फुल करो और इन द एंड बाकी इट्स ऑल वर्थ इट.
इवन एफ सी पी एस, मतलब एफ सी पी एस इतना मुश्किल हो गया है कि अब आराम से तो पास ही नहीं होता. एंड लोग अब कितनी मुश्किल हो गया टू गेट इन टू ट्रेनिंग इन पाकिस्तान एज वेल. तो जो भी कर रहे हो, मतलब जो भी करो बस अच्छा करो, और मतलब कल को कुछ ऐसा हो कि तुम कल को खुश हो कि हाँ ठीक है, आई पुट फुल एफर्ट इन टू दिस, और एंड इंशाल्लाह एवरीवन इज गोना बिकम अ ग्रेट डॉक्टर. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच अहमद. और बाकी बड़ा अच्छा था कि सेशन, और इंशाल्लाह बाकी किसी भी जूनियर को कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो ही कैन कॉन्टैक्ट मी. मैं तो फेसबुक पे भी हूँ, तो आराम से वहाँ पे मैसेज कर दें, एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प. और ऑनेस्टली यू गाइज हैव अमेजिंग सीनियर्स, इस्माइल है, फावर है, काफ़ी हैं जो ऑलरेडी हेल्प कर रहे होते हैं काफ़ी उनको. तो मतलब उनको यूज़ करो, हमें यूज़ करो, जिसको भी मिलता है अपने एलुमनाई को ज़रूर यूज़ करो. This is how the every other like med school does it. Yeah. So King Road kitni badi alumni hai, Nishtar kitni badi alumni hai. To unko kalkana itne bade bade scholarships hai unke liye. To Sheikh Zayed ke liye bhi kuch hona chahiye. So we should start working on that as well. Nahi nahi, for sure, inshallah. Balki tum log bhi pahuncho to ab apna hum bhi apne kya karenge, apna convention ki tarah. Inshallah. Chale, thank you so much. Inshallah, we'll meet soon. Chalo, thank you, Ahmed. Have a great day. Allah Hafiz. Hafiz.